सो गाइज, आज वाला यार ये जो वीडियो है ना यार, काफी ज्यादा मतलब लेट हो गया पता है, बट यार आज का ये जो मैंने वीडियो बनाया ना भाई, बहुत ही जो है तगड़ा मैंने यार आज का ये वीडियो बनाया। मतलब यार आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अप्रैल 2021 का एक लेटेस्ट एपीएन सेटिंग, जिससे आपकी जो इंटरनेट स्पीड है ना भाई, काफी ज्यादा यार बढ़ने वाली। मतलब आप लोग यार कोई सी भी सिम कार्ड यूज करते हो, उसके अंदर आपको स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम आती है, आपका इंटरनेट भाई बहुत ज्यादा स्लो चलता है, चलता ही नहीं है, या अगर आप कोई गेम वगैरह खेलते हो आपको पिंग प्रॉब्लम आती है, तो भी आप इस एपीएन को यूज करो, आपको यार स्टेबल पिंग मिलने लगेगी। और यार आप लोग अगर यूट्यूब वगैरह चलाते हो, डाउनलोडिंग वगैरह करते हो, तो भी आप इस एपीएन को यूज करो, आपकी इंटरनेट की स्पीड बढ़ने वाली इस एपीएन सेटिंग्स है। और ये एपीएन सेटिंग भाई सभी सिम कार्डों के अंदर वर्क करता है, तो ये सवाल नहीं कि भाई कौन कौन से सिम कार्ड के अंदर वर्क करेगा, मतलब काफी अच्छा एपीएन सेटिंग है और मैं खुद यूज कर रहा हूँ काफी दिनों से, वीडियो भी नहीं आई। तो भाई वीडियो के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, बस इतना बोलूंगा भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है भाई वीडियो लाने का। और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यार आप लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट अपन कर ले। तो गाइजर अपन आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, अब जो है अपन एपीएन को क्रिएट करेंगे। तो यार एपीएन को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको जो है अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है, एंड यहाँ पर आता है कनेक्शंस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है मोबाइल नेटवर्क, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आता है एक्सेस पॉइंट्स नेम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो अपन को एक न्यू एपीएन को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर जाना है भाई, मतलब मैंने तो क्लिक कर दिया। सबसे पहले आपको जाना है भाई थ्री डॉट पर, और इसको रिसेट टू डिफॉल्ट आपको कर देना है। ठीक है, रिसेट करने के बाद ही जो है आपको एक न्यू एपीएन को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर ऐड का अपन को मिल जाता है ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर जो न्यू एपीएन का जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाता है। तो इस फॉर्म को आपको जो है ढंग से फिलअप करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले अपना आता है नेम, तो नेम के अंदर आपको करना है प्रो स्पीड 2021। ठीक है, प्रो स्पीड 2021। अब इसके अंदर आपको जो है प्रो का जो पी है स्टार्टिंग का, वो आपको कैपिटल में रखना है, स्पेस स्पीड, स्पीड स्मॉल में रहेगा, स्पेस 2021 आपको कर देना है। फिर आता है एपीएन, तो एपीएन के अंदर आपको जो है सिंपली अपने सिम कार्ड का नाम डाल देना है। तो मेरे पास अभी वोडाफोन है, तो मैं यहाँ पर वोडाफोन डाल देता हूँ। ठीक है ना, आपके पास अगर जियो या वी आई, मतलब एक ही है आइडिया, वोडाफोन वी आई, तीनों एक ही है, तो आप डाल देना नाम, जियो है एयरटेल है, जो आपके पास जो भी सिम कार्ड है उसका नाम डाल देना। फिर आता है प्रोक्सी, इसको नोट सेट रहने देना, पोर्ट आता है पोर्ट को भी नोट सेट। फिर अपना आता है भाई यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में आपको क्लिक करना है, एंड इसके अंदर आपको करना है स्पीड डॉट 4G 2021। ठीक है, स्पीड डॉट 4G स्मॉल में स्पेस 2021 आपको कर देना है। ठीक है ना, फिर आता है पासवर्ड, पासवर्ड को नोट सेट, सर्वर आता है, तो सर्वर के अंदर आपको सिंपली www.google.com आपको कर देना है। ठीक है ना, सर्वर के अंदर। फिर आता है MMSC, इसको नोट सेट रहने देना, MMS प्रॉक्सी आता है इसको भी नोट सेट, MMS पोर्ट आता है इसको भी नोट सेट, MCC और MNC इनको तो बिल्कुल भी मत छेड़ना, ये आपका एरिया का कोड है, अपने हिसाब से सिलेक्टेड रहता है। फिर आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर आपको जो है फोर्थ नंबर वाला PAP और CHAP को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है APN टाइप, तो इसके अंदर आपको जाकर डिफ़ॉल्ट आपका सेट रहेगा, तो उसको डिफ़ॉल्ट रहने देना, छेड़ना मत मतलब। फिर अपना आता है APN प्रोटोकॉल, इसके अंदर आपको जो है थर्ड नंबर वाला IPv4 फ्लैश IPv6 को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी IPv4 फ्लैश IPv6 को सिलेक्ट करना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना बियरर, तो बियरर के अंदर ऊपर वाला आपका टिक रहेगा, तो इसको अनटिक करके ओनली LTE को सिलेक्ट कर लेना है, LTE, बस LTE को सिलेक्ट कर लेना है। अब यार काफ़ी सारे मोबाइल्स में यार काफ़ी सारे बियरर सिलेक्ट नहीं होते, तो सिंपली आपको LTE को सिलेक्ट करना है, मतलब LTE और कोई सा भी सिलेक्ट मत करना। ठीक है ना, बाद में अपना जो मतलब
अब जो अपना न्यू एपीएन जो है बनकर तैयार हो चुका है, तो अपन को मोर पर जाकर सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अपना जो है न्यू एपीएन आ जाता है, तो इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देख लो सिलेक्ट हो चुका है। काफ़ी जनों का डाउट आता है कि भाई सिलेक्ट नहीं होता एपीएन, बार बार में हट जाता है, तो अरे कहीं नहीं हटेगा। यहाँ से आप देख लो सिलेक्ट हो चुका है। तो अपन जो है इंटरनेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। देख लो इंटरनेट जो है मैंने ऑन कर लिया एंड यहाँ पर जो है न्यू एपीएन सिलेक्ट है। अब जो है मैं आपको लाइव स्पीड प्रूफ दिखा देता हूँ कि इस एपीएन से अपन को कितनी। तो गाइज यार आपने यार लाइव स्पीड प्रूफ तो देख ही लिया यार अपन को कितनी बढ़िया है इंटरनेट की स्पीड मिल रही है इस एपीएन सेटिंग्स है। और यार ये जो स्पीड है भाई काफ़ी अच्छी स्पीड है आपका जो इंटरनेट भाई इस एपीएन सेटिंग से बहुत ही बढ़िया चलने वाला है और आपकी स्पीड भी बढ़ने वाली है। तो यार अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। ऐसी इस चैनल पर आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलती है। अगर आपको पिंग प्रॉब्लम आती है तो मैंने वीडियो बना रखा है भाई फ्री फायर के ऊपर, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर यार आप आईफोन यूज़ कर दो, अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना, मैं आईफोन के अंदर भी ये ट्रिक बता दूंगा। ठीक है ना।